परेशान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सावी की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कपास की काश्त के जिस अमल के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो है जड़ी बूटियों का तदारुक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जड़ी बूटियां जो हैं वो कपास की फसल में एक तो पौधों के साथ मुकाबले में आकर खाद और खुराकी अज्जा जो हैं वो पौधे तक पहुंचने में रुकावट का बायस बनती हैं। इसके साथ साथ कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनकी जड़ों से एलीलोपैथिक इफेक्ट्स भी होते हैं। एलीलोपैथिक इफेक्ट्स का मतलब ये है कि उनकी जड़ों से कुछ ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो कि कपास के पौधे के लिए इतने फायदेमंद नहीं है या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कल और परसों के सेशन में, पिछले जो सेशन हमारे दो हो चुके हैं उसमें हमने ये गुफ्तगू की कि तरीका काश्त क्या होना चाहिए और तरीका काश्त के साथ साथ बीज की जो उगाव है उसको कैसे चेक करना चाहिए। ये तमाम अवामल करने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज सबसे पहले जमींदार भाई सबसे बड़ी जो मुश्किल उनके सामने आती है वो है जड़ी बूटी। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जड़ी बूटियां जो हैं उनके अंदर जो नुकसानदेह कीड़े हैं वो भी पनाह हासिल करते हैं। वायरस का हमला बढ़ जाता है, खास तौर पे पत्ता मरोड़ वायरस जो है उसका जो हमला है वो जड़ी बूटियां होने की वजह से ये खदशा होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है। ये पत्ता मरोड़ वायरस जो है ये बहुत अचानक इसका हमला होता है और अचानक हमला होने की वजह से एक तो पता नहीं चलता शुरू में, और जब जब तक इसकी शनाख्त होती है उस वक्त तक बहुत सारे रकबे के ऊपर पत्ता मरोड़ वायरस जो है वो फैल चुका होता है। तो उस वक्त कोई भी कीमियाई या कुदरती हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिम्मेदार भाइयों, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है ताकि एक तो कपास का पौधा तमाम खुराकी अज्जा खाते जो है वो मुनासिब मकदार में हासिल कर सके और कोई भी दूसरा पौधा उसमें मुकाबले में ना आए, और तमाम जो खुराकी अज्जा हैं तमाम जो खाते हैं वो कपास के पौधे को ही हासिल हो। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नुकसान क्या क्या होते हैं जड़ी बूटियों के। तो पैदावार में कमी होती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पौधे जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं, और दूसरा उसके अंदर से जड़ी बूटियों के की जड़ों से कुछ ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो कि कपास के पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो नुकसानदेह कीड़े हैं जिसमें सफ़ेद मक्खी है, गुलाबी सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, ये इन तमाम सुंडियों की आमाजगा या पनागा जड़ी बूटियां जो है वो बन जाती हैं। खुराकी अज्जा की बात मैंने की है, खादें, पानी, हवा, रोशनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जड़ी बूटियां जो है वो हिस्सेदार बन जाती हैं और पूरे तौर पे पानी, हवा, खुराकी अज्जा और रोशनी ये पौधे तक नहीं पहुंच पाती जिसकी वजह से आपकी पैदावार में कमी। इसके अलावा एक और नुकसान ये भी होता है कि जब जड़ी बूटियां होती हैं तो आपको बहुत सारी काश्तकारी अमूर काश्तकारी काम करने में मुश्किल आती है। मिसाल के तौर पे स्प्रे करने में मुश्किल आती है, आपने अगर छट्टा करना है खाद का, खाद अप्लाई करनी है, खाद डालनी, वो मसला आएगा। इस तरह इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि पत्ता मरोड़ वायरस जो है वो उसके फैलने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है अगर आपके खेत में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ एक और नुकसानदेह कीड़ा है जिसको मिली बग कहते हैं। मिली बग का हमला भी जड़ी बूटियों की मौजूदगी में ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो इसलिए इन तमाम नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ कपास की फसल में आती हैं उनको टाइमली वक्त पर कंट्रोल किया जाए। अब जो जड़ी बूटियां कपास में आमतौर पर आती हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जिमीदार भाई जो है वो इनको इनके इन नामों से वाकिफ होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर एकसेट बड़ी मशहूर जड़ी बूटी है, मदाना घास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे इलाकों में, जंगली चौलाई, लेली, कुल्फा, तांदला, हजारदानी, खब्बल और डीला। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल जड़ी बूटी है कंट्रोल के हवाले से वो डीला है क्योंकि ये हमारे यहाँ तकरीबन हर खेत में
और उसके वटों पर, खास तौर पे पानी के खालों की दोनों साइड पर डीला जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये फैलता बहुत तेजी से, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और इसको गोडी के जरिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। और इसका सबसे बड़ा जो इसको कुदरत की तरफ से डीले को फायदा है वो ये है कि ये अपनी जड़ों से ही उगना शुरू कर देता है और इसको फैलना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम थोड़ा इस तरफ आते हैं कि ये जो जड़ी बूटियां हैं इनको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो अगर आपकी आपके खेत में आपके पास मजदूर हैं और आप उन मजदूरों से काम ले सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप खेत में गोड्डी करवाएं। गोड्डी करवाने से एक तो जड़ी बूटियों का खात्मा होगा, साथ साथ जो आपकी जमीन है उसके अंदर नमी और हवा का गुजर होगा। नमी और हवा के गुजर होने की वजह से जमीन के अंदर मौजूद जो नमकियात हैं, खादें हैं, खुराकी अज्जा हैं, वो ज्यादा बेहतर तौर पे पौधों तक पहुंचने में उनको आसानी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि गोडी के जरिए जड़ी बूटियों का तदारक करें। अब इसमें एक गोडी जब आप करते हैं तो एक तो खुश्क तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है गोडी के जरिए, और दूसरा वत्तर का तरीका है। खुश तरीका ये है कि आप बुवाई के बाद और पहले पानी से पहले इसको करें, और खुश गोडी सीजन में एक ही काफी होती है। अगर आपने अच्छे तरीके से और मजदूरों से उनके ऊपर उनके सर पे खड़े होके और अपनी निगरानी में करवाई, लेकिन यह है कि उसमें शर्त यह है कि तमाम जड़ी बूटियां जड़ से खत्म हो जाएं गोडी करने से। खुश गोडी की जो गहराई है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक रखनी चाहिए, ताकि जो नमी है जिसको वतर भी कहते हैं आम जुबान में, वो जाया ना हो। गोडी करते वक्त कोशिश की जानी चाहिए कि लाइनों में पौधों के दरमियान जो है वो मिट्टी गिरे, पौधों के ऊपर या पौधों की जड़ों के करीब और तने के करीब जो है वो मिट्टी ना गिरे। और मजीद ये है कि बारिश के बाद, जब बारिश हो जाए तो बारिश के बाद एक दफा गोडी जरूर करें। बारिश के बाद जब वतर हालत आ जाए, ऊपर वाली जमीन खुश्क हो जाए और अंदर से नमी रहे, तो उस सूरत हाल में गोटी जरूर करवाएं। इससे ये होगा कि जो जितनी भी बीज हैं, जड़ी बूटियों के जड़े हैं, उनको निकालने में और वहां से नरम जमीन से निकालना उनको आसान हो जाता है। तो खुश्क तरीका कार जो है वो इस तरीके से है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है जी वत्तर का तरीका। इसमें ऐसा है कि अगर वसाइल इजाजत दें, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जिमीदार भाइयों के पास इतनी आमदन है, तो हर पानी देने के बाद जितनी दफा आप पानी देते हैं कपास की फसल को, और हर बारिश के बाद आप गोड़ी करें। इस तरीके से ये होगा कि जितनी भी ज्यादा जितने ज्यादा पानी के बाद आप वतर की सूरत हाल में करेंगे, उससे ये होगा कि हर पानी के वक्फे के बाद आपके पास एक टाइम होगा जब जड़ी बूटियां नई नई उग रही होंगी, उनका बीज या उनकी जड़ों में से नए पौधे, छोटे छोटे पौधे निकल रहे होंगे जड़ी बूटियां। तो उस वक्त अगर आप उसको गोड़ी कर देंगे तो ये बहुत हद तक आपके पौधे के साथ, कपास के पौधे के साथ जड़ी बूटियों को बढ़ने में रुकावट का बायस बनेगा, और इससे कंट्रोल होने का आसानी से कंट्रोल होने का जो है वो इम्कान है। तो ये दो तरीके हैं जनाब। एक खुश्क तरीका है जिसमें आप बुवाई के बाद और पहले पानी से पहले, बुवाई करने के बाद पहला पानी लगाने से पहले आप जो है वो गोडी के जरिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते हैं। दूसरा वत्तर का तरीका है जिसमें हर पानी जब आप लगाते हैं, हर अपाशी के बाद जब वत्तर हालत आ जाए, तो उस वक्त आपने गोडी करके जो है वो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना। अब ये था गोडी के जरिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि जड़ी बूटी मार जहरें जो हैं, या जो स्प्रे है उसके जरिए जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें दो तरह की जहरें इस्तेमाल की जाती हैं। एक है प्री इमर्जेंस, जिसको हम कहते हैं उगाओ से पहले की जहरें, और दूसरी है पोस्ट इमर्जेंस। पोस्ट इमर्जेंस से मुराद ऐसी जहरें जो कि उगाओ के बाद की जहरें। तो उगाओ से पहले जो जहरें इस्तेमाल होती हैं, मैं उनका बारी बारी आपको नाम बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम ये गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से इनको
उगाओ से पहले वाली जहरों को इस्तेमाल किया जाना है, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इनको स्प्रे करने का तरीका क्या है। तो ये जनाब तकरीबन कोई 3 से 4 जहरें हैं। इन 3 से 4 जहरों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है इकट्ठे, और अलग अलग भी इस्तेमाल किया जाता है। पहली जहर है जनाब पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन अगर आप अकेली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ कोई और जहर नहीं है, तो फिर आपने तकरीबन 1000 से 1250 मिलीलीटर फी एकड़ इसकी मकदार रखनी है। उसके बाद दूसरी जहर का नाम है मेटोला क्लोर। ये जो मेटोला क्लोर है, ये 800 मिलीलीटर फी एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है। इसकी इसकी मकदार आपने पर एकड़ 1 एकड़ में 800 मिलीलीटर इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ पानी मिक्स करके, जो पानी में मिक्स करके इसको स्प्रे करना। फिर है जी एस मेटाक्लोर, जो कि इसकी मकदार भी फी एकड़ 800 मिलीलीटर रखनी है आपने। चौथे नंबर पे आपने मेटोला क्लोर और पेंडीमेथिलीन, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करना। मेटोला क्लोर और पेंडीमेथिलीन का जो मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर, वो 900 मिलीलीटर फी एकड़ आपने इस्तेमाल करना। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो अगला मिक्सचर एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है एस मेटाक्लोर और पेंडीमेथिलीन। एस मेटाक्लोर और पेंडीमेथिलीन का जो मिक्सचर है, वो भी आपने 900 मिलीलीटर फी एकड़ उसकी मकदार रखनी है। इसी तरीके से एक और मिक्सचर है जी एसीटोक्लोर और पेंडीमेथिलीन, इसका जो मकदार है वो भी आपने 1 लीटर फी एकड़, यानी 1000 मिलीलीटर, जिसको 1 लीटर भी कहा जाता है, 1 लीटर फी एकड़ आपने रखना है। तो जिम्मेदार भाइयों, ये नोट कर लें। हम इस सेशन के बाद इसकी एक पोस्ट जो है वो फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देंगे, लेकिन अगर जो जिम्मेदार भाई नोट करना चाहें वो बेशक नोट कर लें। पहली जहर का नाम है पेंडीमेथिलीन, दूसरी का नाम है मेटोला क्लोर, और तीसरी का नाम है एस मेटाक्लोर, चौथी का नाम है मिक्सचर है चौथा मेटोला क्लोर और पेंडीमेथिलीन, पांचवा मिक्सचर है एस मेटाक्लोर और पेंडीमेथिलीन, और छठा मिक्सचर है एसीटोक्लोर और पेंडीमेथिलीन। इनकी जो मकदार फी एकड़ है, वो हम एक फेसबुक पोस्ट के जरिए आपको बता देंगे। यहाँ तक मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जिशान साहब। जिशान साहब, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जिशान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जिशान साहब इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मोहम्मद मुजाहिद मैं आपको को जी होस्ट इस मुजाहिद वक्त बात साहब, कर कैसे हैं रहा आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया, हूँ। जी आपने सर, ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, सर, मुझे बताइए कि इस इंशाल्लाह। वक्त लाइव सेशन में किसी जिम्मेदार भाई का सवाल है तो वो जरूर बताइए मुझे। जी सर, अभी तक किसी किसान भाई का कोई सवाल नहीं आया, तो मुझे नोजल के बारे में जो है ना वो जरूर बताइएगा किसान भाइयों को, जी कि जी नोजल प्री इमरजेंस के लिए कौन से इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले तो अब हमने जहरों का नाम और उनकी मकदार और उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे कि इसका तरीका कार क्या होना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना। तो इस्तेमाल का तरीका कार ये है कि रवनी से पहले, जब जमीन तैयार हो, तो उस वक्त आपने इसका स्प्रे करना है और फिर रवनी करनी है। रवनी की हुई जमीन को वतर आने पर आपने रंबड़, या जिसको सुहागा भी कहते हैं, वो लगाना है, और एक जैसा स्प्रे करना है पूरे सीड बेड के ऊपर। अच्छा, सीड बेड तैयार करते वक्त आखिरी हल लगाने से पहले आपने हल्का सा हल और फिर सुहागा लगाकर बुवाई करनी है। ये जो है वो बेहतरीन, इससे 100% नतायज हासिल होते हैं, ये जो तरीकाकार जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें ये है कि अगर वतर कम ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। अगर वतर की कमी या ज्यादती हो जाए, तो उससे जो जहर है उसका असर जो है वो बहुत कम रह जाएगा। तो इसलिए पटड़ियों पर काश्त जो लोग कर रहे हैं, जो रेज बेड प्लांटेशन कर रहे हैं या बेड प्लांटेशन कर रहे हैं, उनकी उनके लिए जरूरी है कि वो उगाओ से पहले जहरों का स्प्रे कपास की बुवाई के फौरन बाद 24 घंटे के अंदर अंदर करें। जैसे ही आपने बुवाई कर ली, तो बुवाई के फौरन बाद, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर, आपने ये प्री इमरजेंस उगाओ से पहले का स्प्रे जो करना है, जो मैंने आपको 6 जहरें बताई, इनमें से 3 जो हैं वो अकेली हैं और 3 जहरें जो है वो मिक्सचर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। 3 जो जहरें हैं वो पेंडीमेथिलीन, मेटोला क्लोर और एस मेटाक्लोर है, और जो मिक्सचर है उसमें एक एक मिक्सचर है मेटोला क्लोर और पेंडीमेथिलीन का,
दूसरा मिक्सचर है एस मेटाक्लोर और पेंडीमेथलीन, तीसरा मिक्सचर है एसीटोक्लोर और पेंडीमेथलीन का। तो ये जनाब हमने यहाँ पर देखा कि ये तरीकाकार है इसको उगाओ से पहले। इसमें आपने ये ज़रूर जहन में रखें कि जो आपने नोज़ल इस्तेमाल करनी है वो टी जेट या फोम नोज़ल होनी चाहिए, ठीक है जी। टी जेट या फोम नोज़ल का इस्तेमाल करना। जड़ी बूटियों के उगाओ के बाद जो जहरों का इस्तेमाल है जिसको पोस्ट इमरजेंस भी कहते हैं, उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जहरें इस्तेमाल होती हैं उगाओ के बाद की। तो उसमें जनाब एक है ग्लाइफोसेट और दूसरी है हेलोक्सीफोप और तीसरी जहर है क्यूजेलोफोप। तो ग्लाइफोसेट जो है वो तमाम किस्म की जड़ी बूटियों के लिए है, इसमें डीला भी शामिल है, इसमें स्वांकी और आपका लेली कुल्फा ये तमाम जो है वो शामिल हैं जड़ी बूटियां जिनके लिए ग्लाइफोसेट इस्तेमाल की जाती है। ग्लाइफोसेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1200 मिलीलीटर फी एकड़ उसकी मिकदार रखनी, क्योंकि 1200 मिलीलीटर फी एकड़ होगी तो वो आपके एक एकड़ के ऊपर उसको सही तरीके से उसको स्प्रे कर सकेंगे। हेलोक्सीफोप और क्विजालोफोप ये दोनों जहरें जो हैं वो स्वांकी के खिलाफ खास तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन जहरों की जो मिकदार है वो तकरीबन 400 मिलीलीटर फी एकड़ आपने रखनी है, 400 मिलीलीटर फी एकड़ रखने के साथ साथ इसकी इसकी जो है वो आपने ये खास तौर पर ध्यान में रखना कि आपने स्वांकी के लिए ये इस्तेमाल करनी है क्यूजेलोफोर और हेलोक्सीफोर। अगर आपके खेत में ज़्यादा जो जड़ी बूटी है वो स्वांकी है तो ये दोनों जहरें हेलोक्सीफोप और क्यूजेलोफोप उस सूरत में आपने इस्तेमाल करनी है। बाकी तमाम जड़ी बूटियों के लिए ग्लाइफोसेट एक बहुत अच्छी और बड़ी कारामद जहर है, उसका जो फी एकड़ मकदार है वो 1200 मिलीलीटर आपने रखनी है। इसके बाद जनाब अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जड़ी बूटी मार जहरों के इस्तेमाल को बेहतर और मौसर बनाने के लिए कौन कौन सी हिदायात हैं या वो कौन कौन सी बातें हैं जो जहन में रखनी चाहिए जिसके ज़रिए जड़ी बूटी मार जहर का जो असर है वो ज़्यादा देर तक रहता है और जड़ी बूटियों के कंट्रोल में भी आसानी रहती है। तो एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो उस वक्त आपकी ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी हो। जैसे उस दिन पिछले सेशन में भी हमने बात की कि कपास की काश्त से पहले ज़मीन का भुरभुरा और नरम होना बहुत ज़रूरी है और गहरा हल चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़मीन की तैयारी जो है जिसमें हल चलाना, सुहागा देना और राजा हल चिजल प्लो चलाना ये बहुत ज़रूरी है जड़ी बूटियों के कंट्रोल में और जड़ी बूटी मार जहरों के बेहतर या एफिशिएंट असर के लिए कंट्रोल के। फिर खेत में ढेले और पिछली फसल की बाकियात नहीं होनी चाहिए। जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हों तो उस दौरान जो पिछली फसल की बाकियात हैं या तो वो ज़मीन के अंदर उनको मिला दें या फिर ये है कि उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें, वहाँ से वहाँ पे कोई भी पिछली फसल की बाकियात या रेजिड्यूज जिसको हम कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह मिट्टी के ढेले नहीं होने चाहिए, जो जैसे हमने पहले जिक्र किया बिल्कुल नरम और भुरभुरी जो है वो मिट्टी होनी चाहिए। दूसरा टी जेट या फोम नोज़ल जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये दो तरह की नोज़ल्स हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। स्प्रे मशीन की कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे मशीन अक्सर हमने देखा है और ये देखने में आया फील्ड में जब हम किसी खेत में जाते हैं कि कुछ जगहों पे जड़ी बूटी का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और कुछ जगहों पे जड़ी बूटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा उगी होती हैं और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं खेत के अंदर जहां पर कपास के पौधे भी मुतासर हुए होते। वजह ये होती है कि जो मशीन इस्तेमाल की गई होती है स्प्रे के लिए या जो स्प्रे करने वाला आपका मजदूर होता है उनकी लापरवाही की वजह से और स्प्रे मशीन की ख़राबी की वजह से कुछ जगहों पर जहर की मकदार जो है वो ज़्यादा मकदार में अप्लाई हो जाती है और कुछ जगहों पर जो है वो उसकी मकदार उस तरीके से नहीं होती, एक जैसे यकसा नहीं होती। जी मुजाहिद साहब आपका सवाल है, प्लीज़ पूछिए।
जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारी वीड्स के बारे में बता दिया, वीड कंट्रोल के बारे में। सर, डीला एक बहुत ही अहम जड़ी बूटी जो कि कपास में पाई जाती है, तो जी वो काफ़ी सारी स्प्रे के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो उसके नीचे बल्ब्स होते हैं। तो उसका कोई इफेक्टिव जी कंट्रोल बता दें अगर आपके पास हो तो, कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि स्प्रे से जल्दी वो कंट्रोल नहीं होता। जी मैंने आप शायद सेशन के शुरू में मैंने बताया था कि जड़ी बूटियों को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक तो गोडी का तरीका है और दूसरा कीमियाई तरीका। सिर्फ कीमियाई तरीका भी काफ़ी नहीं है और सिर्फ गोडी करना भी काफ़ी नहीं है। तो इसलिए कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसका नाम आपने भी लिया, जिनको गोडी के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। और गोडी में भी खास तौर पर जो वत्तर का तरीका है, जिसमें हर आबपाशी के बाद जब वत्तर आ जाता है जमीन में, यानी जमीन की ऊपर की सतह खुश्क होती है और नीचे वाली जो 1-2 इंच गहरी जमीन है वो तर होती है, उसके अंदर नमी मौजूद होती है, तो उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में आपने गोडी करनी है। और गोडी इस तरीके से करनी है कि जो जड़ी बूटी है वो जड़ों समेत बाहर आ जाए और उसको वहां से इकट्ठा करके खेत से बाहर फेंक दें। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जड़ी बूटियां फ्लावरिंग स्टेज पे या फ्रूटिंग स्टेज पे होती हैं, तो उनके बहुत सारे फल, जड़ें और बीज वहां पर रह जाते हैं। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि हर आबपाशी के बाद गोडी करना बहुत जरूरी है। और दूसरे नंबर पे मैंने एक जहर का नाम बताया अभी आपको, जिसका जो है ग्लाइफोसेट, जो कि पोस्ट इमरजेंस है। पोस्ट इमरजेंस से मुराद ये है कि उगाओ के बाद स्प्रे की जाती है। तो उगाओ के बाद स्प्रे करने वाली इस जहर से बहुत हद तक तमाम जड़ी बूटियों का कंट्रोल पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि तो ग्लाइफोसेट एक ऑलराउंडर की हैसियत रखती है जड़ी बूटी मार जहरों में। ग्लाइफोसेट के जरिए आप तमाम तरह की जड़ी बूटियां जो एक कपास के खेत में आती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल है मैंने आपके सवाल का जवाब जो है वो बेहतर तौर पर दे दिया होगा। इससे आगे हम चलते हैं जी। मशीन की कैलिब्रेशन की बात की मैंने कि मशीन के अंदर उसकी कैलिब्रेशन और उसको सही ठीक तौर पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन से जो स्प्रे निकल रहा है और उसकी जो फुहार निकल रही है उसका यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी खास एरिया में, किसी खास जगह पर मशीन जो है वो ज़्यादा स्प्रे, जैसे ज़्यादा जहर जो है वो स्प्रे करे और किसी खास जगह पे जहर जो है वो कम स्प्रे करे। सारे पूरे खेत के ऊपर एक जैसा और एक जैसे मकदार जो है वो जहर की जानी चाहिए। उसके लिए कैलिब्रेशन करवाना बहुत जरूरी है और खेत का कोई ऐसा हिस्सा ना हो जो स्प्रे किए बगैर रह जाए, और ना ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे 2 या 13 स्प्रे हो जाए, 3-3 दफा भी स्प्रे, यानी एक जैसा हो जहाँ भी, यकसा स्प्रे इस तरह करें कि स्प्रे करने वाले की रफ्तार भी एक जैसी हो। यानी जो मजदूर है आपका जो स्प्रे कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है चलने की, रफ्तार जो है वो भी एक जैसी हो, बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा आहिस्ता ना चले और एक जैसी स्पीड के साथ चले। स्प्रे के दौरान जो सर यहाँ पर एक मेरा और क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। सर, जी प्लीज कैलिब्रेशन की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें जी मुझे बताइएगा कि जो पानी है स्प्रे का, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम चीज़ है, वो कौन सा जी इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग वो नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए, क्योंकि जड़ी बूटियों के लिए कहा जाता है कि साफ पानी इस्तेमाल करें। और ये जी फी एकड़ कितना पानी होना चाहिए या कितनी टैंकी होनी चाहिए, और कौन सी जो है टैंकी मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नैपसैक या बॉम के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं जड़ी बूटियों के लिए या नहीं, तो इसमें ये इसमें एक दो देखें क्वेश्चन है। जो जो पानी की मकदार है ना वो क्योंकि जब आप गांव देहात में जाते हैं तो ये जहरें जो जिनका मैंने हमने केमिकल नेम बताया है, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से बिक रही होती हैं। बहुत सारी पेस्टिसाइड और वीडिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो इनको अपने अपने नाम से बेच रही होती है। तो उन्होंने उस बोतल के लेबल के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा होता है, बड़ा वाजह लिखा होता है कि जहर की मकदार कितनी होनी चाहिए और टैंकी के अंदर पानी की मकदार कितनी होनी चाहिए। तो वो लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर कोई भी मकदार बताएंगे तो हो सकता है जिम्मेदार भाई जो हैं वो
किसी और कंपनी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वो फॉर्मुलेशन ना हो जो कि हम बता रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि या तो वो उस डीलर से पूछ लें जिससे वो लेके आ रहे हैं जहर, या दूसरे तौर पे अगर वो पढ़ना लिखना जानते हैं तो वो उस बोतल के ऊपर जो लेबल है उस लेबल को पढ़ें। लेबल के ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि स्प्रे की कितनी मिकदार, जहर की कितनी मिकदार होगी टैंकी में और पानी की कितनी मिकदार, और दोनों को मिलाकर जो है वो स्प्रे करना। और जहां तक आपने पूछा दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था आपका? जी सर, इसमें मतलब स्प्रेयर कौन सा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि बोम वगैरह इस्तेमाल वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी बता दें, क्योंकि ऊपर से फुहार बनती है उसकी और ज्यादातर लोग नैपसैक इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा बेहतर रहता है किसान भाई, ताकि उनको पता हो कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, जो स्प्रेयर होते देखें, जो हैं या प्री मशीन। इमर्जेंस है ना, जिस जब जब प्री इमर्जेंस जब उगाओ नहीं हुआ होता उस वक्त तो आप नॉर्मली जो गांव में दस्तियाब मशीनें हैं उनके जरिए आप जो प्री इमर्जेंस वीडिसाइड एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हैं उगाओ से पहले जो जहर है। लेकिन जो पोस्ट इमर्जेंस है उसमें ये होता है कि आपने, क्योंकि पौधों का ख्याल रखना होता है, कपास की फसल जो है वो पौधे बड़े हो चुके होते हैं तो आपने उसका भी ख्याल रखना होता है और उसके लिए शील्ड लगाकर स्प्रे करना होता है। शील्ड इस तरह से लगानी होती है कि जो कपास के पौधे हैं उनके ऊपर असर ना हो और जो दरमियान में आपके खाले हैं और नीचे जो जड़ी बूटियां हैं उन तक स्प्रे जाए, ठीक है जी। तो शील्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरा अब आगे चलते हैं जी। स्प्रे के दौरान स्प्रे मशीन का प्रेशर मैंने आपको बताया कि एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद स्प्रे मशीन की नोजल उसको ठीक करना और उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है स्प्रे करने से पहले। जहर की सही मकदार इस्तेमाल करना, उसके लिए मैंने आपको बताया कि लेबल ज़रूर पढ़ें बोतल का और जिस डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेकर आ रहे हैं उससे पूछें कि इस जहर की एक एग्जैक्ट कितनी मकदार पानी के अंदर मिलाकर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा दो तीन और एहतियाती तदाबीर हैं। अगर तेज़ हवा या आंधी का इम्कान हो तो फिर आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप अगर हो तो वो नहीं करना चाहिए आपको, या सुबह करें जल्दी और या फिर जो है वो शाम के वक्त करें। ये दो दो जो है वो आपने एहतियाती तदाबीर जो है वो तो जड़ी बूटियों से मुतालिक काश्तकार भाइयों इतना ही आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट करके, इस सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। उसके अंदर कपास की तमाम मालूमात सीरीज की शक्ल में वीडियोज में मौजूद है। और इसके साथ साथ प्ले स्टोर से आप हमारी मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल करें और उस ऐप में इल्म का मरकज ऑप्शन है जिसके अंदर तमाम फसलों, जिसमें कपास भी शामिल है, तमाम फसलों से मुतालिक रहनुमाई आसान जुबान में, आम फहम जुबान में बताई गई। तो मुजाहिद साहब, अगर कोई और सवाल है किसी जिम्मेदार भाई का तो हम शामिल करते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया किसान भाइयों का भी। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह हम पर्सनली उनको जी मुजाहिद साहब, गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी बहुत मच शुक्रिया जी, आपका। बहुत शुक्रिया काशकर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए उनवान के साथ। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे कपास की फसल में आबपाशी और तरीकाकार, इसके साथ साथ खादों का इस्तेमाल। तो आबपाशी और खादों के इस्तेमाल के ऊपर इंशाल्लाह कल डिस्कशन होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।